ब्रेकिंग खबर उत्तर प्रदेश बरेली से जिला संवाददाता शैलेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। स्थानीय जिला अस्पताल बरेली के बाबू कुलदीप शर्मा द्वारा लोगों को नवनिर्मित 300 बेड कोविड अस्पताल में नौकरी करवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। गत 2 वर्षों से नौकरी के नाम पर रुपया दे चुके लोगों का सब्र का बांध टूटा, जिसके चलते लगभग 40 ठगी के शिकार महिला व पुरुष विपक्षी फ्रॉड बाबू व उसके ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई को प्रार्थना पत्र देने पहुँचे SSP ऑफिस बरेली। सन 2019 से दे रखा था पैसा, मार्च में लॉकडाउन लग जाने के बाद उक्त अस्पताल को बना दिया गया कोविड हॉस्पिटल। बेरोजगार लोगों पर बाबू द्वारा प्रभाव जमाने को पहले दे दिए गए थे परिचय पत्र, सबका करवाया था मेडिकल, लेकिन 2 साल का समय बीत जाने के बाद भी जब किसी को नौकरी नहीं मिली तब सब लोगों को हुआ ठगी का एहसास। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली ने किए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश। बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। अच्छा जी, आपने भी यहाँ पर 300 बेड अस्पताल में नौकरी के लिए पैसे दिए? हाँ जी। कितने पैसे दिए आपने? लगभग 3 लाख रुपए। अच्छा जी, कितना समय हो गया? ये 2 साल हो चुके। अच्छा जी, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है, और घर से भी हम बहुत ज्यादा वैसे ही हैं, और गरीब आदमी हैं सर, आपको तो पता ही होगा कि हाँ आजकल कितने ये लॉकडाउन की वजह से कितनी प्रॉब्लम चल रही है। जी जी जी, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और बोल रहे थे कि नौकरी लग जाएगी लॉकडाउन। तो आपने किस पोस्ट के लिए पैसे दिए थे? ये बोल रहे थे मतलब जैसी जितनी क्वालिफिकेशन होगी उसी हिसाब से बता रहे थे। अच्छा, उस समय कुछ भी नहीं बताया था, केवल 5 लाख रुपए के लिए बताया था, जिसमें से 3 लाख रुपए पहले ले लिए थे और 2 लाख रुपए बाद में देने थे। हाँ जी। आपको भी पैसा दिए काफी समय हो गया है? हाँ जी, 2 साल से ऊपर हो गए जी। बताएं क्या नाम है आपका? मेरा सोमेश नाम है सर। ये जो ठगी का मामला है क्या है ये? सर हमको बोला गया था कि जो 300 बेड का हॉस्पिटल जो खुल रहा है बरेली में, जी उसमें जॉब लगवाने के लिए बोला गया था। अच्छा जी। जिससे हम लोगों से 3-3 लाख रुपए पर कैंडिडेट बोला था कि पहले देना है और 2 लाख बाद में देना है, टोटल 5 लाख रुपए। जी जी जी। और मेरी कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स के लिए बोला गया था। अच्छा जी। हमारा उसमें मेडिकल भी करवाया इन्होंने बकायदा, और हमको जो आईडी कार्ड होते हैं वो आईडी कार्ड भी दिखाया। ये पैसा करीब कितने समय हो गया आपको दिए? हम 2019 से ये प्रोसेसिंग चालू हुआ है। अच्छा जी। उसके हमारे 1 मार्च का कॉल लेटर भी दिया गया था कि आपकी ज्वाइनिंग 1 मार्च को होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसने लिया था पैसा? ये उन्होंने बोला था, कुलदीप शर्मा ने बोला था कि हमारा जो ड्राइवर है विकास यादव, ये बोलेगा। अच्छा जी जी। विकास यादव के को ही दिए गए पैसे? ये विकास यादव। कितने लोगों के पैसे हैं करीब? जी हम टोटल लोग तो 40 लोग हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। प्लस महिलाएं भी हैं। आप अपना नाम बताएं। सूरज। आपने भी दे रखा है नौकरी के लिए पैसा? कितना पैसा दिया आपने? 3 लाख। अच्छा जी, किसको दिया है? कुलदीप शर्मा जी के गए थे हम उनके पास। अच्छा, ये यहाँ स्थानीय महिला अस्पताल में लिपिक है? जिला अस्पताल में। ठीक है। और उन्होंने ये कहा ठीक है वैकेंसी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी, और 300 बेड हॉस्पिटल तैयार हो जाने दीजिए जी, उसके बाद में जो है आपकी वहाँ वैकेंसी वहाँ पर आपको जो आप तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं। हाँ, 2 साल से ज्यादा ही हो गए। आप लोगों को ना पैसा वापस मिला ना नौकरी नहीं मिली। फर्जी मेडिकल भी कराया, बीच बीच में ज्यादा हमने प्रेशर दिया, आई कार्ड दे दिए, फिर मेडिकल करा दिया, ज्वाइनिंग लेटर बोले आपके ज्वाइनिंग लेटर आ गए, कुछ दिनों में आपको मिल जाएंगे। हमने ऑब्जेक्शन उठाया, बाई डाक आते हैं, पूछा भी तो बोले ठीक है ये अभी आ गए हैं, यहाँ से हम पोस्ट कराएंगे। यहाँ पर आपने एप्लीकेशन दी कप्तान साहब को, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मुकदमे के लिए कह दिया है, मुकदमा फाइल करा। आप बता सकते हैं कितने लोग? आपका नाम क्या है? पवन कुमार। पवन, आपने भी नौकरी के लिए पैसा दिया है? 4 लोगों का आपने नाम। कितने पैसे दिए? कितने लोगों का नाम? कौन कौन इसमें शामिल है आपके? इसमें आप कहाँ से हैं? कुलदीप है, उत्तराखंड से। विकास यादव जो कि उन्हीं का आदमी है सारा, उसी से लेन देन कराते थे सारा, और उसी को आगे चलाते थे। ताहिर है। और बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव है। संजीव, आपने भी नौकरी के लिए पैसा दिया है? मैंने भी नौकरी के लिए पैसा दिया था, 3 लाख रुपए ले चुके हैं मेरे से जी, और बोले थे तो नौकरी लगने के बाद 2 लाख रुपए जब नौकरी लग जाएगी तब देना। अच्छा, ना ही नौकरी मिली ना ही पैसे मिले। कितना समय हो गया आप लोगों को इंतजार करते हैं? 2019 में दिए थे पैसे। अच्छा जी। 2020 का लेटर है मेरे पास, 1 मार्च को ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, तो वो लेटर तो मेरे पास है, अभी तक दिया नहीं उन्होंने। सबको 300 बेड अस्पताल में नौकरी देने का वायदा किया था और पैसा लिया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। प्रेम प्रकाश, आपने कितने पैसे दिए थे? 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में तय हुए थे, बताया था
बोले 3 लाख रुपए आपको पहले देना है, 2 लाख रुपए ज्वाइनिंग के बाद देना। बरेली में लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला। स्थानीय जिला अस्पताल स्थित महिला अस्पताल के लिपिक, क्या नाम है लिपिक का, कुलदीप शर्मा जो हॉस्पिटल में बाबू हैं, बाबू हैं, हमने ये बोला मेरे ड्राइवर है विकास यादव, आप पैसे का लेन देन उससे करें, तो हमने विकास यादव को पैसे दिए हैं। मतलब काफी रुपया ले लिया है लेकिन नौकरी किसी की नहीं लगी। जितने बंदे सबसे 3-3 लाख रुपए ले चुके हैं, वो 2-2 लाख रुपए का ज्वाइनिंग के बाद बोला था हमने। जी जी, आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा पैसा